विवेक, एक समोसा और एक घेवर हाँ ला दे। इंस्टा यूट्यूब में हम ला दे। हाँ हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं कॉलेज चलते चलते ही व्लॉग बना रहा हूँ और कॉलेज खुल ही गया है। मैं सोचा था कि वीडियो बनाऊँ पहले, लेकिन आज ही मौका मिला तो चलिए आज ही बनाता हूँ। तो वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं तो अच्छा हूँ गाइस। तो चलिए अपने व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं तो अपने स्कूटी से जाने वाला था, लेकिन मुझे पैदल चलने का आज मन कर रहा था। कल भी मैं पैदल ही गया था, मैं पता नहीं क्यों आजकल स्कूटी चलाने का उतना मन नहीं करता, और आज मैं फिर से पैदल ही जा रहा हूँ। तो चलिए पैदल ही चलते हैं, आदत छूट गया गाइस पैदल चलने का। अभी ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत दूर जाना है हमें, कम से कम 2 किलोमीटर से ऊपर ही है। और चलिए मैं अब चलिए चलना ही पड़ेगा कॉलेज, चल के अब डिसीजन लिया है तो पूरा करना ही पड़ेगा। मन कर रहा है कि स्कूटी जाके लेके आकर फिर से कॉलेज जाऊँ, लेकिन जो एक बार ठान लेता है वो करना ही पड़ता है गाइस, चल के ही जाएंगे। बहुत दूर है, मेन रोड आ ही गया, मतलब ये रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन शांति की वजह से यहीं से आना अच्छा रहता है। चलिए अब तो मेन रोड पे आ गया, अब तो शांति नहीं मिलेगी। ये देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, इसके बाद मेन रोड हाईवे मतलब, और हाईवे से अब चल के जाना है। बस से भी जा सकता था, लेकिन मुझे चलने का मन था तो इसलिए मैं चल के ही जाऊँगा। तो गाइस चल के कॉलेज जाना इतना भी मुश्किल काम है नहीं, क्योंकि मैं पहले भी कॉलेज चल के ही जाता था। मेरे पास पहले से गाड़ी और स्कूटी तो था नहीं कि कॉलेज गाड़ी से ही आऊँ या स्कूटी से ही आऊँ। तो अभी भी गाड़ी नहीं है, बाप करोड़पति है नहीं, स्कूटी भी लिया है मैंने, अपने पैसे जमा करके लिया है। पापा ने भी थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन मेरा भी था, तो कोई बात नहीं। चलिए कॉलेज चलता हूँ अभी नहीं, तो अभी कुछ नहीं है तो क्या हुआ गाइस, बाद में सब कुछ होगा, होप फॉर द बेस्ट, और सब कुछ होगा, अपना लाइफ अच्छा ही जाएगा, क्योंकि मेहनत चल रही है, नहीं चल रही है तो चालू करेंगे मेहनत। तो चलिए अब चलते हैं कॉलेज, कॉलेज भी के लिए जा रहे हैं हम, अपने फ्यूचर के लिए ही जा रहे हैं, चलिए चलते हैं। पता नहीं कॉलेज में होता क्या है, पढ़ाई के अलावा सब कुछ मुझसे हो रहा है, लेकिन पास हो जाता हूँ कैसे भी, बिना क्लास अटेंड किए, मतलब क्लास तो अटेंड करता हूँ, उतना ज़्यादा नहीं करता हूँ जितना तुम सब करते हैं, लेकिन मैं करता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए और आज का क्लास फिर से मैं लेट हो ही गया हूँ, रोज़ का मेरा तो अब रोज़ का ही हो गया है, रोज़ लेट से क्लास में जाता हूँ, टीचर कुछ बोलती नहीं अभी, लेकिन कुछ दिन बाद टीचर भी तंग आ जाएगी, फिर डांटेगी, फिर से टाइम पर जाऊँगा या क्लास ही नहीं जाऊँगा, मेरा ऐसा ही होता है हमेशा। चलिए आज ट्रैफिक भी नहीं है गाइस, नहीं ये टाइम में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले मेरे कॉलेज 10:10 में होता था, और उस टाइम बहुत ट्रैफिक, मतलब वो टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था, और अभी जो टाइम हो रहा है 8:30, मतलब 8:30 में मेरा मुझे क्लास पहुंचना था, लेकिन मैं अभी 8:30 में यही हूँ, अभी यहाँ से कम से कम 10 टू 15 मिनट का डिस्टेंस है मुझे कवर करना है, इसलिए अब चलते हैं। और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है अभी, और वैसे भी मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो स्कूटी से जाता हूँ ना। सो गाइस, मैं चलते चलते ऑल सेंट स्कूल के पास आ गया हूँ, ये स्कूल भी बहुत अच्छा है, यहाँ में एक मैं स्टूडेंट को जानता हूँ, वो बॉडी बिल्डर है, बहुत स्ट्रांग है, उसका नाम क्या था, हाँ रेहान, बहुत स्ट्रांग है गाइस, जिम करता है वो। चलिए गाइस, ये रहा स्कूल, अगर आपको उससे मिलना है तो आप यहाँ आ सकते हैं पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, वो बहुत अच्छा ट्रेन करता है, मतलब कि ट्रेनर ही बनी है अब वो। चलिए गाइस, हम ब्लॉग बनाते बनाते कॉलेज के पास आ गया, मतलब कॉलेज यहाँ सब ज़्यादा दूर है नहीं, ओनली 5 मिनट डिस्टेंस है यहाँ से, तो चलिए चलते कॉलेज में, और हमें ब्लॉग बनाना मिला तो बनाएंगे, वरना बनाएंगे ज़रूर बनाएंगे, ब्लॉग स्टार्ट किया है तो एंड भी ज़रूर करेंगे। चलिए हमें कैसे यहाँ पहुँच गया, तो गाइस मैं कॉलेज तो पहुँच ही गया हूँ, और बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया फर्स्ट क्लास के लिए, तो सोच रहा हूँ क्लास करूँ या ना करूँ।
मास्टर से डाक खाने का द्वारा थे, टीचर से डांट सुन लेंगे लेकिन क्लास करेंगे। अटेंडेंस तो मिलेगा, 100% अटेंडेंस रखना है इस बार। तो गाइस ये हमारे कॉलेज के पास एक गुरुद्वारा है, बहुत पीस मिलता है, कभी कभी हमें टाइम मिलता है तो हम यहाँ चले जाते हैं। तो बहुत अच्छा गुरुद्वारा है और ठीक आगे हमारा कॉलेज का पार्किंग है। मैं स्कूटी जब लाता हूँ अपना तो यहीं पार्क करता हूँ, कभी कभी पार्किंग नहीं मिलती तो आगे लगाना पड़ता है। और चलिए, और ये जो ग्रीन वाली स्कूटी दिख रही है, ये ग्रीन वाली ये KTM नहीं, ये स्कूटी ये मेरे दोस्त की है और वो कॉलेज में पहुँच गए, मेरे क्लासमेट है। और ये पार्किंग रहा, छोटा सा हमारा पार्किंग, इधर ही पार्क करते स्कूटी बाइक सब। तो गाइस अब तो मैं कॉलेज के पास आ ही गया, एकदम गेट के पास ही हूँ और यहाँ से वीडियो बना के अब चलता हूँ कॉलेज में और मोबाइल हटा लेता हूँ। तो गाइस मैं कॉलेज में तो आ ही गया हूँ और क्लासेस भी शुरू हो गए, तो चलिए अब क्लास में चलते हैं अपने। चलिए क्लास में डायरेक्ट एंट्री लेंगे, कैंपस भी यहीं है और मैं चलता हूँ अपना क्लास। तो गाइस क्लास भी शुरू हो गया, स्टूडेंट वहाँ बैठे, टीचर पढ़ा रही है और मैं चल रहा हूँ। अपना भी एंट्री हो ही गया है, थोड़ा लेट से ही, देर आए दुरुस्त आए, तो चलिए अब क्लास करते हैं। अरे भाई लोग साइड हो, हमें भी देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं, हम भी पैसे देते हैं, हमें भी पढ़ना है। ये मैम क्या लिख रही है, रुके जूम करके देखता हूँ। और ये क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ तो नहीं आ रहा, चलिए रुके कैमरा ऑफ करके देखना पड़ेगा। तो गाइस क्लास ओवर हो गया और फिर भी ये पढ़ रहे हैं, रिश हमारे डियर। तो गाइस बारिश आ रहा है और देखिए नेचर यहाँ में। क्लास ओवर। तो गाइस बारिश बहुत जोर से आने वाला आ गया है और यहाँ का तालाब का मच्छी लोग भी आराम से पानी में नहा रहा होगा। ओह ठंडा। तो गाइस फिर से क्लास शुरू हो गया और मैम बोर्ड पे लिखा रही है, हमें लिखने का नंबर नहीं है। दो तीन चार लोग पड़ा वाला। तो भाई मैं क्लास में सबसे पहले आ गया हूँ और कोई क्लास में आया नहीं है और मैं वेट कर रहा हूँ टीचर का। स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं, अपने को तो पढ़ना है कॉलेज में, हम पढ़ने आए हैं, पढ़ के जाएंगे और कोई भी क्लास में नहीं है। मैं फर्स्ट में और लास्ट बेंच पर बैठने वाला हूँ, तो कोई टेंशन नहीं है आप उनको। एकदम मतलब कचरा हो गया है फेस गाइस, अच्छा हैंडसम तो है लेकिन तब भी कोई नहीं फिल्टर, मतलब अगला बार से मेकअप कर करूँगा, दाढ़ी बड़ा कर रहा हूँ गाइस, दाढ़ी नहीं बड़ा है गाइस। इंग्लिश क्लास है गाइस, हमारा इंग्लिश क्लास है, हम अच्छे से इंग्लिश पढ़ेंगे और लिटरेचर में नाम रोशन करेंगे इंडिया का। बोल बोल वाला, अरे मोबाइल छोड़ने का बात कर रहा था। हाँ तुम भी बोल, आज व्लॉग में डालेगा, हम लोग व्लॉग बना रहा था। तो गाइस अभी हमारा टिफिन टाइम हुआ है। ओ गाइस वहाँ उन लोगों का ग्रेजुएशन हो रहा है आज, वो फोटोशूट भी हो रहा है। वो हमसे अच्छा कैमरामैन कौन हो गया? हाँ लंच ब्रेक हुआ है, आप लंच के बाद डायरेक्ट घर। और वो देखिए कुछ दिख जाए हमें, वो भी सुंदर सभी मिल रहा है। नहीं यार ये सब नहीं बोलेगा। तो
गाइस हमें प्रिंसिपल ने जेल में ढाल दिया। देखिए हमें जाली जाली आ गए हैं, हम बैठे हैं, हम किसी को कुछ करें ना कैद करके रखे, हम कैद कैद में हम लोग पास आएगा ही नहीं। सो गाइस हमारा क्लासेस सब ओवर हो गए, अब हम यहाँ से हम और अनुराग निकलते हैं कॉलेज के बाहर। सो गाइस हमारा तो कॉलेज छुट्टी हो गया, छुट्टी नहीं मतलब हमें छोड़ दे तो क्लास, और मोमो खाने का मन था तो हम जेल रोड आए हैं हम और अनुराग, और किसी को मैंने बुलाया नहीं क्योंकि थोड़ा अजीब लग रहा था। चलिए अब मोमो खाते हैं। आंटी दो प्लेट मोमो दीजिए ना, हम लोग वाला स्पेशल वन, मतलब कि बड़ा वाला स्पेशल, मतलब हमारा बड़ा ही है। चटनी डाल मेरा भी डाल दें। ले मेरा वाला में चटनी डाल देना, अब ये मेरा हाथ में और ये अब तू अपना हाथ में ले और अपना वाला मुझे दे दे मोमो। सो गाइस मोमो तो हो गया और अब हम घर जा रहे हैं, सेंटर पॉइंट के पास तो आ गया, और चलिए अब यहाँ से सीधा चल के घर जाना है। तो चलिए अब सो गाइस अब तो मैं घर आ गया और कॉलेज भी ख़त्म आज का, और कल फिर से नया ब्लॉग बनाऊंगा क्योंकि कल हमारा कॉलेज भी है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड बने लगी। सो गाइस अब तो मैं कॉलेज से आ गया और आज का कॉलेज भी ख़त्म, और कल भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा क्योंकि कल हमारा कॉलेज वीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय।